हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने बनाई है टमाटर की झोली। ये हिमाचल की एक बहुत ही फेमस डिश है, तो इसको मैंने सर्व किया है राइस के साथ। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। ये बिना अनियन बिना गार्लिक के बनती है और बहुत ही क्विक है। सबसे पहले कुछ टोमेटो ले लेंगे और इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। एक कढ़ाई में पानी ले लेंगे और ये धुले हुए टोमेटो इसमें डाल देंगे। टोमेटो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं, ये मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ। इनको तब तक बॉईल करना है जब तक कि इनकी स्किन निकल ना जाए, यानी इनका छिलका बिल्कुल अलग ना हो जाए। तो वेट करते हैं जब तक ये उबलते हैं। तो देखिए इसकी स्किन पूरी इस तरह से उतर जाएगी। तो मैं अब इनकी पूरी स्किन को इस तरह से रिमूव कर लूंगी और एक मिक्सर में स्किन निकालने के बाद ब्लेंड कर लूंगी। इस तरह से हम सब टोमेटो की स्किन को रिमूव कर लेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने सारे टोमेटोज को पील करके ब्लेंड कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें साबुत धनिया डालेंगे और तीन से चार हरी मिर्च चॉप करके डाल देंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आपने जो टोमेटो ब्लेंड करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। इसी में थोड़ा पानी डाल के इसका रेसिड्यू भी ले लेंगे। अब हम इसको पकने देंगे और बीच बीच में से चलाते रहेंगे। इसको कम से कम 10 मिनट इसी तरह से पकाना है। जब तक हमारा टोमेटो बॉयल होता है हम दो चम्मच बेसन ले लेंगे। तो 250 ग्राम मैंने टोमेटो लिया है, तो उसके लिए मैं यानी कि 2 टेबलस्पून बेसन ले रही हूँ। तो आप बेसन की क्वांटिटी इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इस बेसन को थोड़ा सा भून लेंगे। ये डिश एक पहाड़ी डिश है। मैं एक बार कुल्लू मनाली गई थी तो मैंने ये राइस के साथ खाई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो यही रेसिपी फिर मैंने उनसे पूछ ली थी, तो मैं कभी कभी बनाती हूँ। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। हल्का सा ही इसको भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना, ताकि इसकी कच्चेपन की स्मेल चली जाए। गैस को बंद कर दिया मैंने, बस 1 मिनट ही भूना है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमने जो बेसन को भूना है थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना बने। इसको लगातार चलाते भी रहना है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम सारा बेसन इसमें ऐड कर देंगे और चलाते रहेंगे। तो हमने 250 ग्राम टोमेटो में 2 टेबलस्पून बेसन को भून के डाल दिया है। अब हम इसको फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। कम से कम हमें 10 मिनट तक इसको इसी तरह से पकाना है ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए और बेसन भी पक जाए। सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो देखिए ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। अभी इसको और 5 मिनट बॉईल करेंगे। 5 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप कसूरी मेथी जरूर डालिएगा। अब इसको फिर से हम बॉईल होने देंगे 5 मिनट। देखिए ये हमारा टोमेटो अच्छे से पक गया और बेसन भी अच्छे से पक गया और हमारा जो ये ग्रेवी है ये भी काफी थिक हो गया है। अब हम इसका एक तड़का तैयार करेंगे और इसको एक साइड में रख लेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए हम एक कढ़ाई में देसी घी ले लेंगे। देसी घी में ये बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और ये है जखिया, ये हिमाचल का एक स्पेशल मसाला है जिसका इसको तड़का लगता है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मस्टर्ड सीड्स यूज कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से क्रैकल होने तक इसको भूनेंगे। अब हमने ये जो तड़का बनाया है इस टोमेटो की झोली में डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी शाइन आ गई है। तो हमारी टोमेटो की झोली बिल्कुल रेडी है। इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं और पराठा या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ट्रेडिशनली ये राइस के साथ खाई जाती है, जैसे कि कढ़ी खाते हैं। तो आइए इसको सर्व करते हैं। तो इसे मैं सर्व कर रही हूँ राइस और दाल के साथ। तो हमारी डिश रेडी है सर्व करने के लिए। थैंक यू।